विनेश के नाम की धूम। बेटी को लेने आया पूरा परिवार, मेडल नहीं दिल जीत आई बेटी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की स्वदेश वापसी हो गई है। वो आज यानी शनिवार 17 अगस्त की सुबह दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पहुंची, जहां ढोल ताशों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी दौरान स्वागत के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी सामने नजर आए। बजरंग और साक्षी से मिलकर विनेश अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे। साक्षी मलिक ने विनेश के स्वागत पर कहा कि विनेश ने देश के लिए जो किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसे और अधिक सम्मान और सराहना मिलनी चाहिए, उसके पदक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वहीं विनेश ने मीडिया से कहा कि पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। बजरंग पुनिया बोले कि देशवासियों ने विनेश को खूब प्यार दिया, लोगों ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। बता दें कि विनेश ने पेरिस ओलंपिक में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल की सुबह विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं विनेश के वापसी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने जीप में दिखाई दे रही हैं और इसी दौरान उनकी आंखें भी नम दिखी। एयरपोर्ट पर विनेश के स्वागत के लिए फैंस और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। वो गाड़ी पर बैठकर एयरपोर्ट से निकली। इस दौरान उन्हें कई फूलों की मालाएं भी पहनाई गई और उनका स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने कुश्ती के 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचकर पहले गोल्ड मेडल की उम्मीद जगाई थी, मगर फाइनल के दिन 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अधिक वजन होने के कारण उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों का भी दिल टूट गया। विनेश के वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस वजह से फाइनल में भी हिस्सा नहीं ले सके। हालांकि उन्होंने आखिरी दम तक वजन कम करने के लिए सारे तरीके अपनाए, लेकिन फाइनल की सुबह तक तय वजन नहीं कर पाए। विनेश ने वजन कम करने के लिए खून निकलवाया, बाल कटवाए और लगातार कई घंटों तक एक्सरसाइज भी की। एक समय ऐसा भी आया जब उनके कोच को लगा कि इतना ज़्यादा प्रयास करने के कारण पहलवान की मौत भी हो सकती है। ओलंपिक में पदक जीतने की सपना चकनाचूर होने के बाद संन्यास का ऐलान करने वाली विनेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उनके इस सफ़र के साथ देने वाले धन्यवाद दिया और ये भी संकेत दिया कि वो कुश्ती में वापसी करने वाली हैं। हालांकि अंत में विनेश ने कम से कम रजत पदक दिए जाने की अपील की थी, मगर ये उम्मीद भी बुधवार को उस समय धराशायी हो गई जब कोर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS ने उनकी अपील खारिज कर दी। अब इसके बाद विनेश को कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।